नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटकों की, और उसके पहले हमेशा की तरह मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को कि आप समय निकालकर वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा मेरा उत्साह वर्धन भी करते हैं। शुक्र जी की जो बुक है वो सब लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, वीडियो भी बहुत कम ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर बंद कर दो तो आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और मैसेजेस आने लगते हैं, पूरे करने पड़ रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं नाटकों की। यदि और देशों के समान यहाँ उपन्यासों और नाटक कहानियों के आगे नाटकों का प्रणय बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा। नाटकों के बाहरी रूप रंग में भी कई प्रकार नाटकों के बाहरी रूप रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार प्रकार में भी वैचित्र आए। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि शुक्ल जी के समय की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है, अभी वर्तमान काल की बात नहीं हो रही। ध्यान रखिएगा, ये पहले आत्मिक काल था लेकिन अभी ये समय गुजर चुका। ढांचे में जो विशेषता यूरोप के वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई वे हिंदी में भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है, जैसे अंक के आरंभ और बीच में भी समय स्थान तथा पात्रों के रूप रंग और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन पहला सा नहीं होता था। स्वागत भाषण की चाल भी अब उठ गई, पात्रों के भाषण भी अब न बहुत लंबे होते हैं न लंबे पात्र। ये बातें से गोविंद दास जी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाए। थिएटरों के कार्यक्रमों में दो अवकाशों पचास तीन अंग रखने प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। दो एक व्यक्ति अंग्रेजी के एक अंक वाले आधुनिक नाटक से उन्हीं के ढंग के दो एक अंक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए हैं। ऐसे लोगों को ये जान रखना चाहिए कि एक अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले माने गए, है ना? जब हम संस्कृत भाषा में नाटकों के भेद पढ़ते हैं वहां पे हम इस तरह सभी उनके भेद हमें देखने को मिलते हैं। यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ में से ही बंगला की देखा देखी हमारी हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे, नंदी मंगला चरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी क्योंकि यूरोप में नहीं होती थी। फर्नांडो ने नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है, हाँ आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया। भारतेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु के काल से ही अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा। अंकों के बीच के स्थान परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन को दृश्य और कभी कभी गर्भांक शब्द रखकर सूचित करने लगे। यद्य गर्भांक शब्द हमारे नाट्य शास्त्र में कुछ और ही अर्थ में है, मतलब इस शब्द का प्रयोग हमारे नाट्य शास्त्र में किसी और अर्थ में किया जाता है, लेकिन अब आधुनिक नाटकों में यूरोप की तर्ज में इसका अर्थ दूसरे रूप में, इस शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग किया जाने लगा। प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में ये दृश्य शब्द जो अंग्रेजी सीन का अनुवाद है छोड़ दिया है और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा। अंग्रेजी नाटकों में जहाँ स्थान परिवर्तन होता था उसका नाम गर्भांग रख लिया जाता था, लेकिन प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त में दृश्य परिवर्तन के लिए ये शब्द नहीं रखे। इसी प्रकार आजकल विस्तंभक प्रवेशक का नाम काम करने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं पर ये नाम हटाते प्रस्तावना के साथ उद्घाटक कथोधात आज का विन्यास चमत्कार भी है। ये विन्यास सर्वथा अस्वाभाविक न। एक बात बहुत अच्छी यह है कि पुराने नाटकों में दरबारी को विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था उसके स्थान पर कथा की गति से संबंध कोई बात नहीं असोड़ प्रगति का बना दिया जाता है। जो दरबारी नाटक लिखे जाते थे उसमें ज्यादातर एक जो दरबारी विदूषक होता था उसका वास्तव में और कोई भी काम नहीं होता था, उसको फालतू कहा जा सकता है, निरर्थक कहा जा सकता था, उसके स्थान पे अब
जो कथा को गति देने में भी सहायक है और इसकी जो प्रोड्यूसर का विकास करता है इस तरह की बातों का प्रयोग किया जाने लगा है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंद गुप्त नाटक में मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने प्रोड्यूसर का स्थानापन्न कहा जा सकता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना गया है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप ये चीज और अच्छे से जानते होंगे। अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट सील स्वभाव वाले पात्र भिन्न भिन्न परिस्थिति में डालकर उनके प्रश्नों और चेष्टा द्वारा दर्शकों में रस संचार करना ही रहा है। पात्रों के विरोधात्मक तथा बांधे हुए ढांचे जिन्हें ढले सब पात्र सामने आते, इन ढांचों के बाहर सील वैचित्र दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। यूरोप में धीरे धीरे सील वैचित्र का प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त हुई। यहाँ तक किसी न किसी नाटक के संबंध में वस्तु विधान और चरित्र विधान की चर्चा का भी चलन हो। इधर यथातथ्यवाद के प्रचार से वहाँ रहा सहा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया जाने लगा। किसके नाम से? यथातथ्यवाद, मतलब जैसे भी तथ्यों को उसी रूप में निरूपित करना चाहिए, इस प्रकार का प्रवृत्ति का प्रसार करके वहाँ के काव्यत्व को हटा दिया गया। क्या कहकर? कि ये झूठी भावुकता का संचार करता है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद और प्रेमी ऐसे प्रतिभाशील नाटकों ने उक्त प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस विधान और सील वैचित्र दोनों का सुंदर सामंजस्य रखा। स्कंदगुप्त नाटक ने जिस प्रकार देव सेना और सर्वनाग ऐसे गुण चरित्र के पात्र, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम युद्धोत्साह स्वदेश भावों की मानिक और उत्कृष्ट केंद्र। हमारे यहाँ के पुराने पद्य ढांचों के भीतर सी वैचित्र का वैसा विकास नहीं हो सकता तथा उसका बंधन हटाकर वैचित्र के लिए मार्ग खोलना तो ठीक है, पर ये आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल, क्योंकि उसमें अवकाश नहीं था सी वैचित्र का, तो ये तो ठीक है कि उसके विकास के लिए मार्ग खोल दिए जाए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उससे रसात्मकता को भी हम निकाल। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग को यह दिखाई पड़ता है कि हम उसका मूल रूप भाग के लक्षित बनाए रहे, पर उसका स्वरूप के प्रसार के लिए और देश पद्धति का निरीक्षण और कुछ बातों का भी सफाई के साथ करते, उसकी सर्वथा पूरी नकल करने को तो कुछ नहीं और उसके पक्षपात नहीं है। निरीक्षण करके उसकी जो कुछ बातें हम सफाई के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल इसको कहते हैं डिक्टो को अपनी नहीं करने के लिए, तो अच्छा होगा के मत। अपने नाट्य शास्त्र की जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर हम आज को नहीं चल सकते, पर उस उनका बहुत सा रंग रूप अपने नाटकों में ला सकते हैं जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि भी बने वे बने रह सकते हैं और रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए हैं उसमें से कुछ को हम आजकल भी चला सकते हैं। दिए हुए लक्षणों में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेर फेर हो जाए, जो मतलब हेर फेर चाहे कर ले। इसी प्रकार अभिनय की रोचकता बढ़ाने वाली जो युक्तियां हैं जैसे उद्घाटन कठोरदार, उसमें भी कई एक का आवश्यक रूपांतर के साथ स्थान का बंधन दूर कर हम बनाए रख सकते। संतोष की बात यह है कि प्रसाद और प्रेम जी के नाटकों में इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे कठोरदास के नाम पर एक पात्र के मुंह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का भेद प्रवेश। चलिए उदाहरण देखते हैं, सर्वनाथ एक सामूस मुनि का संसार बना, रमा का प्रवेश, रमा पामर सोने की लंका डाक, मतलब एक के कथन को लेकर दूसरा पीछे से आकर उसको आगे बढ़ा। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी यह मिलता है, सिद्ध साधना में देखी जीजा, हाँ यह एक बात है, सई बाई का बालक संभाजी के कुल योग, सई बाई यह बाधा भी ना रहेगी,
मतलब बात को आगे पूरा करता हुआ दूसरे पाद को प्रवेश करता है। प्राचीन नाट्य शास्त्र भारतीय और यमनों दोनों में कुछ बातों का जैसे मृत्यु वृद्धा युद्ध दिखाना वर्जित था। आजकल उस नियम का पालन की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु वधा यहाँ पे लिखी है कि वध होगा मृत्यु वध और आत्महत्या दिखाएंगे। प्राचीन भारत और यमनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से मतलब उसके कारण अलग अलग थे। यमनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप। यमनों ने किस लिए इनको वर्जित करके रखा था युद्ध मृत्यु और वध जैसी चीजों को क्योंकि उनकी जो रंगशाला का स्वरूप था वो भी इसके अंदर नहीं था। पर भारत में अत्यंत झूम तथा शिष्ट रुचि वाले थे विरक्ति से बचाने के लिए कुछ दृश्य वर्जित है ना जिसे अधिक छोड़ का संचार ना हो शिष्ट रुचियां रहें विरक्ति के भाव को बचाने के बाद चीजों को वर्जित किया गया। मृत्यु और व्यर्थ अत्यंत क्षोभकारी कारक होने के कारण भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की थोड़ी सी जगह दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण वर्जित देश की परंपरागत रुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए जैसे चुंबन आदि इस तरह के जो अमृत कार्य है। अगर हमें अपनी देश की परंपरा और सुरुचि को बनाकर चलना है तो कुछ कहते हैं अभी भी वर्जित ही माननी चाहिए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन आलंघन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो या हमारी सृष्टि में जंगली बन या पशु इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत उच्च स्थान पर दिखाई दिए स्वर्गीय पंडित जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिदृष्टि दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल की भीतर चुना और प्रेम जी ने मुस्लिम काल प्रसाद जी के नाटकों में स्कंद को श्रेष्ठ है और प्रेमी जी के नाटकों में रक्षावत प्रसाद जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के भाषा को रखने वाली चित्रमयी कल्पना और भाव विशेष परिमाण में आई जाए। इस कथन में कई स्थलों पर नाटकीय नाम पर वर्तमान गद्य काव्य के खंड बीच बीच में जुगान रखे गए हैं वह ना तो प्रकरण के अनुकूल है ना प्राचीन काल की भाव पद्धति के वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा की प्रदीप मुक्तक यानी लिरिक्स मात्र अपनी सबसे पिछली रचना में से ये त्रुटियां उन्होंने निकाल दी। चंद्रगुप्त और भृगुस्वामिनी इन दोषों से प्राय मुक्त है पर चंद्रगुप्त पे एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ जाता है क्या उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष का दीर्घ काल की घटनाएं कसी गई जो नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए मतलब बीच में 25 साल का अंतराल दिखाया गया मतलब एक नाटक को नाटक की दृष्टि से उपयोग नहीं होता है जो बात युवक के रूप में नाटक में आरंभ में दिखाई दी वह नाटक के अंत में उसी रूप में सामने आती है। यह दोस्तों इतिहास की ओर दृष्टि लाने वालों पर दिखाई पड़ता था बाकी घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है मतलब घटनाओं का बहुत ज्यादा सघनता का दोष इस रचना में पाया जाता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबंध घटनाओं से छुटते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है मतलब बहुत सारे पात्र होंगे तो चरित्रों का कितने चरित्रों का विकास होगा ज्यादा उसके लिए अवकाश नहीं रह पाता है। पर इस नाटक विस्तृत वस्तु और पात्र इतिहास का ध्यान रखने वालों के लिए आकर्षक है दोनों दोषों को ध्यान कुछ देर में ध्यान मुद्रा राक्षस में इनमें से कई बातों की विशेषता है। पहली बात तो ये है कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोग था कठपुतली मात्र या कठपुतली भर नहीं है प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाव सुंदरता के साथ पूरा करने वाला नीति प्रवर्तन का भाव चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व
इसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्विता, वीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्राह्मण चित्त्याग आदि सामान्य गुणों के भीतर बीज केवल प्रतिकार प्रबल वासना हृदय की और झलकती। इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी पूछा किया गया है, उसका पूरा हृदय भी सामने तो उसके चरित्र का ये कह सकते हैं कि विकास का अब तक क्या पूर्ण विकास हुआ। नाटकों के प्रभाव पात्रों के कथोप कथन पर बहुत कुछ अवलंबित है। श्रीहरि कृष्ण प्रेमी के कथोप कथन प्रसाद जी के कथोप कथनों से अधिक न्यायों को उपयुक्त। श्री कृष्ण प्रेमी जी के जो कथन है प्रसाद जी के कथनों से ज्यादा अधिक उपयुक्त है, इसके लिए न्याय है। इसमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक और सर्व हृदय पर भाषा की मर्म व्यंजन अनुभव है। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग चित्तमय और लच्छेदार बातचीत करने वाले कई पात्र आधारित हैं, तो उनकी जो भाषा शैली तो देखो लगभग एक से दिखती कई सारे बात। प्रेम जी के नाटकों में यह खटकने वाली बात नहीं मिलती है, उनके सभी पात्रों की अपनी अलग शैली प्रतीत। प्रसाद और प्रेम जी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक है पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास भी गर्भर मिलता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का अधिक ग्रंथ रूप में बराबर झलकता है। आजकल के मजहबी दंगों के स्वप्न भी हम स्कंदगुप्त में देख सकते हैं। प्रेमी की शिव साधना नाटक में शिव जी भी कहते हैं, मेरे से जीवन की एकमात्र साधना होती भारतवर्ष को स्वतंत्र कराना। ये उन्होंने स्वयं शिव जी के मुख से कहलवाया। दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना, राजनैतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्रांति। हम समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटक के किसी पात्र से आधुनिक भावना जिस काल में वह नाटक को उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार करानी चाहिए। क्रांति जैसे शब्द द्वारा समय क्रांति जैसे शब्द नहीं होते हैं तो ये अलग सा पड़ता है। प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह को देकर हिंदू राज्य की रक्षा की पहुंचना तथा वस्तु ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति का सूचक था। उसके ऊपर कट्टर सरकारों और मुस्लिमों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता है वह वर्तमान हिंदू मुस्लिम भाव शांति का मार्ग का जान पड़ता। इसी प्रकार प्रसाद जी के दूर स्वामी नाटक में बहुत नामक बहुत छोटे से नाटक एक सम्राट राजकुमारी की स्त्री का विवाह संबंध में सामने लाया गया है जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक मतलब किस तरह से प्राचीन या ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी वो आधुनिक से अपने आप को जोड़े रखते। वर्तमान राजनैतिक राजनीति के अभिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर श्री गोविंद दास जी ने साहित्य के अभिनय क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने तीन अच्छे नाटक रक्ताव्य में राम और कृष्ण दोनों का चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो खंड करके रखते हैं। उनका उद्देश्य है कर्तव्य के विकास की दो भूमिका। नाटककार के विवेचनानुसार मर्यादा पालन प्रथम भूमि है और पूर्वार्ध के लिए राम द्वारा पूर्णता को पहुंचना लोकहित के व्यापक दृष्टिकोण से आवश्यकता अनुसार नियम और मर्यादा को उल्लंघन उसके आगे की भूमि। नाटक के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा जैसे जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना प्रदर्शित। वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो अलग अलग नाटक, पर नाटककार ने अपने कौशल से कर्तव्य विकास सुंदर उद्भावना द्वारा दोनों पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया। यह भी एक प्रकार का कौशल, इसे ऊटक नाटक ना समझना चाहिए।
सेठ जी का दूसरा नाटक खास ऐतिहासिक है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन माधवपुर ससाकार कर रहे हैं। इन दोनों नाटकों में प्राचीन वेशभूषा वस्तुकला आदि इत्यादि का ध्यान रखा गया है। प्रकाश नाटक में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण, यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु विन्यास और तत्व विशेष रूप का आकर्षण करने वाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत निराली है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका परमाला नाटक जो मार्कंडेय पुराण की कथा को लेकर बड़ी निपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ के पन्ना नामक ठाई की अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक व्रत लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। अंगूर की बेटी जो फारसी शब्द का अनुवाद है, मध्य के दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक कुछ हल्के रंग के नाटकों में जिसमें बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का कुछ मनोरंजन हो सकता है, पद्मी नारायण भट्ट की दुर्गावती, तुलसीदास आदि उल्लेख। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जेपी श्रीवास्तव ने मोलियर के फारसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवाद किया थे। मर्दानी और गड़बड़शाला, नोक छोक, दुमदारा आदमी इत्यादि बहुत से छोटे छोटे प्रहसन भी लिखने पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हंसाने में समर्थ नहीं, उलट फेर और उसे अच्छे ढंग से कहा जा सकता, मतलब इनमें से उलट फेर को बेहतर कहा जा सकता। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि का कुछ सामाजिक प्रश्न समस्याएं तो सामने रखी है। यूरोप में परिवर्तित यथार्थ तथ्यवाद का ये खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रगति अपने वास्तविक रूप के सामने ला दिया। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने, इसके भीतर नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों को जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान का स्वरूप का आभास है। लोग के बीच कभी कभी उच्च भावों से युक्त उच्च भावों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं। हम पर कल्पना का छूना रख चढ़ाकर धोखे की तकिया खड़ी करना और बहुत ही फालतू भावुकता जगाना अब बंद होना चाहिए। यही उपर्युक्त तथ्यथा तथ्यवाद के अनुयायियों का कहना है। यूरोप में जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार कवि और लेखक अपना ये काम समझने कि जगत के सुंदर पक्ष की सामग्री चुन चुन कर एक काल्पनिक सौंदर्य की सृष्टि खड़ी करें और उसका मधुपान कर चूमा करें, तब इसकी विपोर प्रतिक्रिया वहां आवश्यक थी। और यहाँ भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक यूरोप में भी इसी वजह से भारत में भी इसीलिए जरूरी थी। जब कोई बात हद से बाहर जाकर जी उबारने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित है। जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी जाती है, बहुत ज्यादा उसका प्रयोग होने लगता है, तब जाहिर सी बात है अर्थ का सर्वत्र वर्ज्य तो उसकी प्रतिक्रिया अपेक्षित। यूरोप के साहित्य क्षेत्र में एकाग्रता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई ना कोई बात बराबर खड़ा होता रहता है और आगे भी बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है और दूसरी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है, मतलब एक धारा हद की ओर ही बढ़ती है, सामंजस्य नहीं रखती है, उसके पीछे प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी धारा आती है और वो भी हद की तरफ बढ़ जाती है, मतलब अनावश्यक बढ़ा की तरफ बढ़ जाती है, अर्थ की तरफ बढ़ जाती है। अतः यूरोप के किसी बात को लेकर चिल्लाने वालों को ये समझ रखना चाहिए कि उसकी बिल्कुल उल्टा बात भी पीछे लगा रहा है। आप एक बार चलाइए का बिल्कुल उसका उल्टा बात पीछे से आ जाएगा। प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएं क्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पद पर आ जाती है। कुछ दिनों तक तुम्हें केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती है, पीछे सात भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती है। भावुकता भी जीवन का अंग, साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो नहीं सकते नहीं। हाँ, यदि व्याधि के रूप में पील भाव की तरह बढ़ने लगे तो उसका रोकथाम आता है। मतलब किसी भी चीज
जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ने लगे तो उसको रोकना चाहिए, प्रकृति किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाए हैं उसने काव्यक को तो अव्यक्त हर्षक नहीं आने पाया, लेकिन नाटकों में न चित्रमय और न भावुकता से लदे भाषण है न गीत या कविताएं। हरी हरी बात कहने का जोश कहीं नहीं आवश्यक। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे जैसे मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की रोटी, राक्षस का मंदिर आदि। समाज के कुत्सित विभत्स और पात्रपूर्ण अंशों के चटनीय दृश्य दिखाने के लिए पांडे बेचन शर्मा उत्कृष्ट छोटे छोटे नाटकों या प्रसंग से भी काम किया। चुम्बन और चार विचार संपादक अध्यापक सुधारक प्रचारक इसीलिए रखे गए लिखे गए। महात्मा ईसा के पेड़ में तो वह नाम आदमी पड़े हैं, इसकी तो जरूरत नहीं। बेकारों के चक्कर में क्यों पड़ गए, ऐसा सूत्र जी कह रहे हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य सेवा कर रहे हैं, तक्षशिला, राधा, मांझी आदि कई अच्छे काव्यों के अतिरिक्त अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। बाहर या सुपतन और तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है। इसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्य का मानव चित्रण है। 10,000 नामक एक आदि नाटक भी आपने लिखा। भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक क्षेत्र के भीतर एक ऐसे पात्र चारों ओर जीवन रहस्यमय विषमताएं बड़ी गहरी छाया डालती है सामने आती। ऐसी विषमताएं जो वर्तमान समाज को क्षुब्ध करती रहती है। अम्बा नाटक ने भीष्म द्वारा हाली अम्बा की जन्मांतर व्याप्ति प्रतिकार वासना कर स्त्री पुरुष संबंध की दर विषमता भी सामने आई है जो आजकल महिला आंदोलन के वर्तमान मत्स्यगंधा में भाव नाट्य नाटक इसमें उसमें जीवन का वह स्वरूप सामने आता है जो ऊपर से सुख पूर्वक दिखाई पड़ता है। गीता सीमा जाने की उमंग परमत्व कामना की अंश की दिशा धारा से यहाँ से वहां छिपे हुए। विश्वामित्र की इसी ढंग का सुंदर नाटक चौथा नाटक सागर विजय भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है वैसा कम देखने में आता है। ऐतिहासिक नाटक की रचना का में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी जी का है, पौराणिक नाटक में वही स्थान भट्ट जी का है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। ऐतिहासिक रचना में जो स्थान प्रसाद जी और प्रेमी जी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है, ऐसा का। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से अंत तक का व्रत लेकर प्रताप जनप्रत नाटक की रचना की है। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी ने प्रताप नाटक के आरंभ मान सिंह के अपमान से होता है, नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त। परिस्थितियों की प्रधानता देने में भी मिलिंद जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी श्री चतुर सेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियां तो लिखी है, नाटक की ओर भी भाग बढ़ाया है। अपने अमर राठौर और उत्सर्ग नामक ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने कथा वस्तु को अपने अनुकूल करने की कोशिश अवश्य दिखाई है, पर अधिक खून पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता और कहीं कहीं घटनाओं की महत्वता भी छड़ गई है, मतलब कम हो गई। अंग्रेज कवि सैले के ढंग पर सुमित्रा नंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य के रूप में देने के लिए ज्योत्सना नामक एक रूपक लिखा है, जिस पर सैली का रूपक सैले के रूपक इसमें देखिए इस, मुझे लगता है फॉन्ट में दिक्कत होने की वजह समझ नहीं आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। सैले के रूपक का नाम है, पर सैले के रूपक तो आदि दैविक शासन से मुक्ति और जगत के स्वातंत्र में एक समन्वित प्रसंग लेकर चलता है और उसमें पृथ्वी वायु और आत्मा देवता अपने निज रूप में आए, किंतु जीव का बहुत दूर तक केवल सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना मनुष्य के सुख विलास की भावना के ऊषा सुरभि समीर और चकित की कल्पना कलरव करते व्यंग आदि के अभिनय के लिए
मनुष्य के रंग मंच जिताने इसके उपरांत आजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ एक लोक समस्याओं पर कथोपकथन है, सब मिलाकर क्या है कि नहीं कहा जा सकता है, मतलब उतना सफल नहीं। श्री कैलाशनाथ भटनागर की भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के लोग अच्छा नाटक एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ हो चुका है और ये कहा जा चुका है किस प्रकार पहले पहल दो एक दो व्यक्ति उसे भारतीय नाटक साहित्य में अश्रुतपूर्व वस्तु समझते हुए नहीं कर पाए। इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे है जिनका एक अच्छा संग्रह एकांत नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ जिसमें इसमें श्री सुदर्शन राम कुमार वर्मा भुवनेश्वर उपेन्द्रनाथ दास भगवती शरण शर्मा धर्म प्रकाश आनंद पूरे शंकर भट्ट क्रमशा राजपूत की हार 10 मिनट स्ट्राइक बच्चों का स्वागत सबसे बड़ा 10,000 नामक नाटक संग्रह। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने बाबू मैथिली सरन को श्री योगी हरि माखनलाल चक्रवर्ती प्रेमचंद सम्राट नाथ शर्मा को सुदर्शन नाटक की ओर हाथ बढ़ाया है पर उनका मुख्य स्थान और उपन्यासकार। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में भी भास की सूक्त भास बदलता अनुवादित सत्यजीवन वर्मा ने किया है। पंच रात्रा मध्यम व्यायोग प्रतिज्ञा सौगंध सौगंध नारायण प्रतिमा आदि अधिक नाटक माला नाटक के अनुवाद जर्मन की कवि जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अच्छा अनुवाद भोलानाथ शर्मा ने किया। थोड़ा सा बोरिंग रहा नाटक का तथ्य ही तथ्य हमें पढ़ने थे। चलिए अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे निबंधों की। साथ बनाए रखिएगा, आपके साथ बनाए रखिएगा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।